देखिए, जो न्यायालय का जो फैसला आया है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक सूचिता ख़त्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। पिछले दशकों में हम देखेंगे तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, या उसके पहले के नेताओं को भी हम देखें तो एक दूसरे के प्रति, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की बात करें, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो चंद्रशेखर हों, एक दूसरे नेताओं के प्रति बड़े सम्मान के भाव भी रहता था और एक दूसरे को सम्मान देते भी थे, विचारधारा अपनी अपनी थी और विचार के लिए लड़ते भी थे। इसका एक जीता जाता उदाहरण, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी की तबीयत खराब हुई थी और उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता था, तो यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल सांसदों गया था, उसको परमानेंट मेंबर बना के अमेरिका भेजा गया, उसका इलाज कराया गया। और इस बात का खुलासा राजीव जी के देहावसान के बाद, उसकी शहादत के बाद, अटल जी ने खुद किया था। तो ये एक राजनीति परस्पर जो सद्भाव था, अब वो समाप्त हो गया है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री जी सोनिया जी के प्रति क्या क्या बोले, राहुल जी के बारे में क्या बोले हैं, और ये संबित पात्रा जैसे लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये जो स्तर गिराने का काम है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी से। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से विभागी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे कि लोकसभा बाधित है। पहले तो ये होता था, विपक्ष किसी मांग को लेकर अड़ते थे और लोकसभा बाधित होता था, राज्यसभा बाधित होता था, लेकिन पहली बार है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चलने दे रहे हैं। सीधी बात है कि वो अडानी के मुद्दे को वो टालना चाहते हैं, उसके भटकाना चाहते हैं और इस कारण से इस प्रकार से गतिरोध पैदा किया गया है। और आज कोई भी, जितने भी भारत में संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है, उसको डराने का काम, उसके प्रभाव लाने का काम, दबाने का काम लगातार केंद्र सरकार कर रही है। जिस प्रकार से रिजिजू जी का बयान आया और भी जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबको दबाने की कोशिश। अभी बीबीसी पे जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी का छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ़ लिखेंगे तो आपके आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो, और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, कानून कानून से बड़ा कोई नहीं, और कोई अपने आप को कानून से बड़ा समझता है वो देश के, यहाँ के लोकतंत्र के और यहाँ के संविधान को नहीं मानता। और जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सम्मान का, तो वो पद व्यक्ति को लेकर नहीं होता, देश की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री का पद होता है। और प्रधानमंत्री जी के लिए
जब इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मानहानि का दावा और केस चलेगा ही, और उसका नतीजा भी आज निकला है कि जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है देश की राजनीति में शुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्म अनुशासन की ज़रूरत है उसको साबित करने का है। और मुझे लगता है कि ये नज़ीर बनेगा, ये उदाहरण बनेगा कि हम अपने बोलचाल बातचीत में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें। और दो साल की सज़ा ठीक है, जमानत मिल गई, एक साल के लिए, एक महीने के लिए रिलीफ मिल गया, मगर इसके बाद भी ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरे देश के राजनीति का एक ऐसा फैसला है जो लोगों को सचेत भी करेगा, सावधान भी करेगा, और प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा को कायम रखने का कर्तव्य और दायित्व हमारा है, उसका निर्वहन भी करने में सहायक होगा। जब कमेंट्स होते हैं, जब प्रधानमंत्री की पद की गरिमा खंडित की जाती है, तो फिर राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनकी पद और गरिमा की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, उसके लिए एक सबक होगा। भूपेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से क्यों डरेगी, पूरे हिंदुस्तान में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो चुका है, जहाँ जहाँ राहुल जाते हैं पार्टी वहाँ वहाँ पराजित होती है, वो अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।